हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं 6 कली फ्रीड वाली पेटीकोट की कटिंग और इसकी सिलाई बताऊंगी, जिसका मेजरमेंट है, इसकी पूरी लंबाई है 37 इंच और कमर की गोलाई है 34 इंच। तो इसी मेजरमेंट पे मैं कटिंग करूंगी। लेकिन अगर आपको पेटीकोट की कटिंग करना नहीं आता तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप किसी भी साइज़ की पेटीकोट की कटिंग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है, ये देख सकते हैं, ये जैसे है अभी उसी प्रकार ये 4 फोल्ड में है कपड़ा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें से क्या करना है, 2 फोल्ड को आपको एक साइड में रख देना है। तो इस तरीके से ये मैंने 2 फोल्ड को एक साइड में रख दूंगी और उसके बाद इस साइड से हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। ये देख सकते हैं, इधर से ये ओपन साइड है। तो इस प्रकार ये 2 फोल्ड में है अर्ज के साइड से, और इधर से अगर बराबर नहीं हो तो पहले आप बराबर कर लीजिएगा, देखिए अच्छे से। और बराबर करने के बाद हम इसे इस तरीके से 2 फोल्ड करेंगे और यहाँ से बेल्ट की कटिंग करना है। तो बेल्ट की जो चौड़ाई है मैं 2 इंच रखूँगी, तो यहाँ पे आधा इंच अधिक लेंगे। तो इस तरीके से आधा इंच अधिक कर देना है, यानी कि 2.5 इंच हम यहाँ पे लेंगे, तो आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, तो ये 2 इंच बच जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से 2.5 इंच फोल्ड करके, देखिए मैं यहाँ पे पहले निशान लगा देती हूँ और इसको सीधा कर दूँगी और यहीं से इसकी कटिंग कर लूँगी मैं। तो खोलने के बाद ये जो टोटल लंबाई है इस तरीके से ये 5 इंच है। अब यहीं से इसकी कटिंग कर लेंगे, देखिए। अब इसकी जैसी मैं एक और पट्टी कटिंग करूँगी, क्योंकि इतना में हमारा कमर नहीं आ पाएगा, तो इसमें थोड़ा सा लूजिंग देने के लिए ये कम पड़ेगा। तो मैं इसकी जैसी एक और पट्टी इसमें से कटिंग कर लेती हूँ। ये देख सकते हैं, मैंने दोनों पट्टी कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है 34 इंच, उसका हाफ करेंगे तो ये 17 इंच आएगा, और उसमें हमें क्या करना है, 2 इंच लूजिंग देना है, तो ये टोटल जो होगा 19 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से हमें 19 इंच लेना है इस तरीके से, देखिए। तो इसमें इतना ये कम पड़ रहा है, तो मैं अलग से ये जो पट्टी है इसमें से कटिंग करके यहाँ पे जॉइंट कर दूँगी। तो इस तरीके से ये लगभग 3.5 इंच है, 3.25 इंच। तो यहाँ से मैं 4 इंच कटिंग करूँगी, देखिए, और इस तरीके से कटिंग करके यहाँ पर हम जॉइंट करेंगे। तो सिलने के बाद इस तरीके से बिल्कुल 19 इंच आ जाएगा। तो ऐसे रख के हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे, तो सिलने के बाद बिल्कुल 19 इंच आ जाएगा। और ये जो पट्टी है इसमें से हम नाड़ी बना लेंगे, तो इसे भी मैं साइड में रख देती हूँ। और इसमें से हम क्या करेंगे, फ्रिल के लिए पहले कपड़ा कटिंग करेंगे, उसके बाद हम कली की कटिंग करेंगे। तो फ्रिल के लिए कपड़ा हमें इस साइड से कटिंग करना है, ये जो ओपन साइड होता है उधर से हमें फ्रिल के लिए कपड़ा कटिंग करना होता है। देखिए बिल्कुल जैसे 2 इंच का मुझे फ्रिल बनाना है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, 2 इंच और प्लस सिलाई के लिए ले लूँगी। तो यहाँ से ये 2 इंच हुआ और प्लस मैं 2 इंच अधिक लूँगी, सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से 2 इंच, 2 पॉइंट पे मैं इस तरीके से निशान लगा देती हूँ और यहीं से पूरा यहाँ से वहाँ तक मैं कपड़ा कटिंग कर लूँगी, या फिर इस तरीके से फाड़ के भी आप अलग कर सकते हैं। ये तिरछा नहीं फटता है, इस तरीके से ये सीधा ही फटता है। तो देख सकते हैं, मैंने दोनों पट्टी को कटिंग करके अलग कर लिया है, इसका फ्रिल बनेगा। अब ये जो कपड़ा है ये 2 फोल्ड में है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 फोल्ड किया है। अब इसको 1 फोल्ड और करेंगे, यानी कि इस तरीके से 4 फोल्ड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये 4 फोल्ड इस तरीके से कर लेना है और अच्छे से बराबर करके रख देना है। तो बिल्कुल इस तरीके से हमें 4 फोल्ड करना है, क्योंकि 6 कली की पेटीकोट बनाना है। तो ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब देखिए लंबाई का निशान लगाएंगे, तो लंबाई टोटल है 37, उसमें से मैंने 2 इंच बेल्ट के लिए कम कर दिया और फिर 2 इंच फ्रिल के लिए, यानी कि इस तरीके से ये 33 इंच लंबाई बच गया है। तो यहाँ से हमें 33 इंच लेना है, तो आधा आधा इंच दोनों तरफ सिलाई में जाएगा, तो ये 34 इंच हो जाएगा। तो आधा इंच एक्स्ट्रा है, यानी कि 34.5 इंच है टोटल रख लूँगी। जब हम फ्रिल कटिंग करके बराबर करते हैं तो आधा इंच कम हो जाता है। अब देखिए, अब हम कमर का निशान लगाएंगे, तो ये जो बेल्ट है इस तरीके से जब हम इसमें लूजिंग दिए हैं तो ये टोटल 19 इंच हो गया है, यानी कि मैं नाप के दिखा देती हूँ। देखिए इसकी जो टोटल लंबाई है ये 19 इंच है, ऐसे हाफ में ये 19 इंच है, जब हम इसको डबल करेंगे तो टोटल 38 इंच हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 38 का 8वां भाग लेके लगाना है, तो आप उससे भी लगा सकते हैं, उसको 8 से डिवाइड करके, या फिर आप इस बेल्ट को देखिए, ये अभी 2 फोल्ड में है, इस तरीके से हम करेंगे तो ये 4 फोल्ड में हो गया, और फिर इसको 1 फोल्ड इस तरीके से कर देंगे तो ये 8 फोल्ड हो गया। अब इसको इस तरीके से नाप लीजिए, तो ये 8वां भाग निकल जाएगा। तो ये देखिए 4.25 इंच आया,
तो हम यहाँ पे 4.25 इंच पे निशान लगाएंगे कमर का। तो इस तरीके से इसमें हमें देखिए यहाँ पे ये 4.25 इंच लेना है। तो इस तरीके से आधा इंच तो यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा, तो जितने सिलाई के लिए पहले छोड़ देना है और उसके बाद ये 4.25 इंच पे निशान लगा देना है और फिर ये सिलाई के लिए ले लेना है, यानी कि टोटल ये लगभग 4.25 इंच आया। अब इस साइड में निशान लगाएंगे, तो यहाँ भी 4.25 इंच लेंगे, तो इधर तो ये सिलाई में नहीं लेना है क्योंकि इधर ये फोल्डेड साइड है, उधर सिलाई नहीं होता है। तो इस तरीके से यहाँ से मैं 4.25 इंच रखूँगी और उसके बाद 2 पॉइंट या फिर आधा इंच सिलाई के लिए ले लेंगे। तो इस तरीके से ये टोटल 5.5 इंच हो गया। अब इस निशान को हमें क्या करना है, इस निशान से मिला देना है। तो बिल्कुल इस तरीके से इंची टेप को यहाँ पे रखेंगे देखिए, और दोनों निशान को इस तरीके से रखना है और यहाँ से मिला के यहीं से इसकी कटिंग कर लेना है। देखिए ये मैंने कली को कटिंग कर दिया और यहाँ से ये ज्वाइंट है तो इसको भी यहाँ से अलग कर देंगे। इस तरीके से हमारा दोनों कली कटिंग हो गया है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये तिरछा साइड है, तो मैं निशान लगा देती हूँ। अगर नहीं भी लगाएंगे तो इसे खींचने से पता चल जाता है। तो ये कली हमारा कटिंग हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको देखिए इसको लेके हमें इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, ऐसे रखेंगे इसके ऊपर बिल्कुल बराबर करके, और उसके बाद हम इसे इस तरीके से 2 फोल्ड करेंगे। देखिए बिल्कुल बीचों बीच फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद दोनों साइड से हल्का हल्का बढ़ जाता है, तो उसे हम कटिंग करके इस तरीके से निकाल देंगे। तो इसीलिए मैंने ये अधिक लिया था आधा इंच। फिर से आप यहाँ पे नाप के देख सकते हैं, देखिए आधा इंच ये सिलाई में जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ से 33 इंच लेना है, तो ये यहाँ पर आएगा देख सकते हैं इस तरीके से, ये 33 इंच, और उसमें आधा इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से आपको कटिंग कर देंगे, तो नीचे जो एक्स्ट्रा है वो भी बराबर हो जाएगा अच्छे से। देखिए तो ये कली को मैंने बराबर कर दिया है। अब टोटल ये जो है 34 इंच आ गया, सिलने के बाद यहाँ पे 33 इंच बच जाएगा। तो अब इसकी कटिंग पूरा हो गया है, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए देखिए इस तरीके से हमें बड़ी वाली कली को लेना है और बीच में इस तरीके से रख देंगे, और उसके बाद हम 2 छोटी वाली कली को लेंगे। तो इस तरीके से ये 2 छोटी वाली कली को मैंने लिया है और इस तरीके से हम जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे ये तिरछा साइड है और इसमें भी ये तिरछा साइड है, दोनों को हम इस तरीके से मैच करके रखेंगे और इसी प्रकार हम इसे जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे तिरछे को तिरछे के साथ ही जॉइंट करना है। तो जो 4 कली का पेटीकोट होता है तो उसमें हम एक तिरछा और एक सीधे को ज्वाइंट करते हैं, पर 6 कली पेटीकोट में इस तरीके से देखिए तिरछे को तिरछे के साथ और सीधे को सीधे के साथ ही ज्वाइंट किया जाता है। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको रखना है मिला के, और इसी प्रकार हमें इसे ज्वाइंट कर देना है। तो देखिए अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई करने के लिए आपको इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे पलट के रखना है और यहाँ पर सिलाई कर लेना है, और फिर इसको भी इस तरीके से इसके ऊपर हम इस तरीके से पलट के रखेंगे और यहाँ पे भी इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैं दोनों तरफ सिलाई लगा लेती हूँ। तो देख सकते हैं ये मैंने सिलाई लगा लिया है दोनों तरफ। इसी प्रकार वो मैंने दूसरे 3 कली को भी ज्वाइंट कर लिया है। देखिए बिल्कुल उसी प्रकार मैंने ज्वाइंट किया है। अब इन दोनों को एक साथ ज्वाइंट कर देंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से रखना है, दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ मैंने किया है देखिए, और बिल्कुल इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे इस साइड से भी बिल्कुल। देखिए तो यहाँ पे मैंने यहाँ भी सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए नारा डालने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ओपन रहता है पेटीकोट में, तो बिल्कुल इस तरीके से 4 इंच नापेंगे और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे ऐसे, और यहीं तक हम इसको सिलाई कर देंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से फोल्ड करना है सिंगल, और फिर इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर आपको सिलाई कर लेना है। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। बिल्कुल उसी प्रकार इधर भी मैं कर लूँगी फोल्ड। तो दोनों साइड में ये फोल्ड हो गया है। अब हम बेल्ट तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं इसमें इतना ज्वाइंट करना था, तो इसको पहले हम सिलाई लगा के इसको ज्वाइंट कर लेंगे।
तो यहाँ पे मैंने ज्वाइंट कर लिया है, ये देख सकते हैं। अब इस मार्जिन को इस तरीके से दोनों साइड में कर देना है और इस तरीके से बीच से फोल्ड कर देना है। देखिए अब हम इसको इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको इसका जो उल्टा साइड है ऊपर की तरफ करके रखना है, देखिए, और सीधा साइड नीचे। तो यहाँ पे मैंने उल्टे साइड को ऊपर करके रखा है और बिल्कुल इस तरीके से हमें यहाँ पे ज्वाइंट करना है। तो पहले आप यहाँ पे नाप के इसको देख लीजिए। देखिए तो ये बिल्कुल बराबर है। तो कभी कभी ज्वाइंट करते समय ये कम ज़्यादा हो जाता है, तो आपको क्या करना है, अगर ये बढ़ जाता है सिलाई में, अगर आपने कम पकड़ा है तो ये बढ़ जाता है, तो इसको आपको इस तरीके से एक छोटा सा यहाँ पे प्लेट बना सकते हैं। मेरा यहाँ पे बिल्कुल बराबर हुआ है तो मैं प्लेट नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल इस तरीके से आधा इंच पकड़ते हुए नीचे की तरफ सिलाई कर लूँगी। तो देख सकते हैं मैंने पूरे में सिलाई लगा लिया है। अब इसको इस तरीके से रखना है, मार्जिन को ऊपर की तरफ करके रखना है, देखिए बिल्कुल इस तरीके से, और इसमें आपको आधा इंच इस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से फोल्ड कर देना है, और इसी फोल्ड से इस तरीके से मार्जिन को अंदर की तरफ ढक देना है, और बिल्कुल इस तरीके से ढकते हुए यहाँ पे किनारे किनारे सिलाई कर लेना है, देखिए बिल्कुल इस तरीके से, और पूरे मार्जिन को बिल्कुल इस तरीके से अंदर करते हुए ढकते हुए बिल्कुल किनारे किनारे पूरे में सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई कर लिया है। अब इसके ऊपर इस तरीके से दो पॉइंट ऊपर हम एक और सिलाई कर लेंगे। ये देख सकते हैं मैंने ऊपर डबल सिलाई कर लिया है। अब यहाँ पे हमें नीचे की तरफ फ्रिल तैयार कर लेना है नीचे की तरफ लगाने के लिए। तो इधर साइड में बाद में ज्वाइंट करूँगी, पहले यहाँ पे फ्रिल लगा लेंगे। तो ये जो फ्रिल है देख सकते हैं, इतना ही मैंने फ्रिल कटिंग किया था, मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अब इस तरीके से नाप के देख लेंगे डबल है कि कम है। तो ये देख सकते हैं ये थोड़ा कम है डबल से। तो हमें यहाँ पे फ्रिल को इस तरीके से घाना नहीं बनाना है, घाना बनाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप निशान भी बना सकते हैं। तो ये डबल रहता है तो हम दोनों निशान बराबर बराबर बनाते हैं। यहाँ पे मैं एक निशान देखिए एक इंच का और एक निशान पौने इंच का बनाई हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से मुझे यहाँ पे पौने पौने इंच की इस तरीके से प्लेट बनाना है। देखिए एक इंच छोड़ देंगे और फिर उसके बाद इस तरीके से पौने इंच कपड़ा पकड़ के हम प्लेट बना लेंगे। फिर एक इंच छोड़ दीजिएगा और फिर इस तरीके से पौने इंच की प्लेट बना लीजिएगा। इसी प्रकार आपको क्या करना है, पौने पौने इंच की प्लेट बना लेना है और ज़्यादा घना नहीं बनाना है, नहीं तो एक इंच की दूरी से ही बनाइएगा, नहीं तो वो कम पड़ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं पूरा फ्रिल तैयार कर लूँगी। ये देख सकते हैं मैंने फ्रिल तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हम लगा देंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको उल्टा सीधा देख लेना है। देखिए मैंने इसका सीधा पेटीकोट का सीधा साइड ऊपर करके रखा है, बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे रखते हुए आधा इंच इस तरीके से पकड़ते हुए हम सिलाई कर लेंगे। और थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा हो गया है तो इसको मैं यहाँ से काट के निकाल दूँगी। अब उसके बाद देखिए इस तरीके से मार्जिन को ऊपर के साइड में करके रखना है और यहाँ इसके ऊपर एक इस तरीके से सिलाई कर देना है ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दिया है। अब इसको भी इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। बिल्कुल इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई। तो बिल्कुल इस तरीके से बराबर करके रखिएगा और यहाँ से इतना पकड़ते हुए देखिए यहीं से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा डबल कर देंगे ताकि ये ना खुले और उसके बाद पूरा नीचे तक हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने सिलाई लगा दिया है। तो ये पूरा पेटीकोट लगभग तैयार हो गया है। मैं सीधा करके दिखा देती हूँ।
तो इस तरीके से यहाँ से आप नाप के भी देख सकते हैं, जैसे हमने 37 इंच लंबाई की पेटीकोट कटिंग किया था, ये बिल्कुल 37 इंच इस तरीके से आ गया है। अब देखिए ये जो नारी वाला कपड़ा है इससे हम नारी बना लेंगे, तो इस तरीके से बीचों बीच कटिंग कर देना है और उसके बाद हम ज्वाइंट कर देंगे दोनों को एक साथ। और उसके बाद इस तरीके से देखिए दोनों साइड से फोल्ड कर देंगे और उसके बाद बिल्कुल इस तरीके से बीचों बीच फोल्ड करके आपको इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। देख सकते हैं मैंने नारी तैयार कर लिया है। तो अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।